फिर बड़ा 6-8 महीने बाद बताया कि ये जूता आपका घर में सबसे महंगा जूता है। हाँ, सब सब अपनी लाइट खुद खुद पे लो, ऐसे 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 हॉरर वाली लाइट लो सब। क्या करा आप लोगों ने पीछे से? हमने मौसम एंजॉय किया, मौसम बड़ा अच्छा था। अच्छा, आज को छोड़ के हमारा भी मौसम अच्छा ही था। ऐसे करा, फूड वीडियो बनाने नहीं गया, वहाँ पर कोई रैली करने गया था। गुड मॉर्निंग है जी, लास्ट दिन चंडीगढ़। आज निकल रहे हैं सुबह अम्बाला के लिए। सुबह के कुछ बज रहे हैं, सुबह के कुछ बज रहे हैं 7:50 और अम्बाला यहाँ से है कुछ 1 घंटा 5 मिनट दूर। पूरा दिन आज अम्बाला में निकलेगा और रात के लेट नाइट पहुँचेगा दिल्ली। स्टे हमारा काफ़ी कम्फर्टेबल रहा, जैसे आपको कल बताया ही था। एंड धूप आज अच्छी निकल चुकी है, अच्छा है। चलो चंडीगढ़ में 2 दिन रहे, नहीं तीन दिन चंडीगढ़ में रहे। 3 दिन चंडीगढ़ में मौसम काफ़ी अच्छा था, वेरी प्लेजेंट। एक दिन बारिश हुई और एक दिन जो भी हुआ। एंड गाड़ी बस थोड़ी अब साफ़ करवानी है, वो तो आई थिंक अब दिल्ली जाके ही साफ होगी। सुपर एक्साइटेड टू ट्राई अम्बाला सिटी का खाना, मतलब आई जेन्युइनली लव अम्बाला का खाना। हम लोग जब भी चंडीगढ़ से वापस दिल्ली जाते हैं और टाइम होता है हमारे पास, तो हम लोग रुकते हैं अम्बाला सिटी में। एंड राघव डेयरी के पनीर समोसे खाना इज हाउ डू एक्सप्लेन, इट्स एन इमोशन। साथ में देसी घी के अगर जलेबी मिल जाए उस टाइम पे अगर आ रहे हो तो, आई जेन्युइनली ये दिल्ली से अम्बाला और दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते में या इवन दिल्ली से जलंधर के रास्ते में फॉर दैट मैटर, लव अम्बाला का फूड। सुपर एक्साइटेड टू ट्राई इट। चलो जी चंडीगढ़ को बोलते हैं टाइम टू से बाय बाय टू चंडीगढ़। ओके जी, टाटा बाय बाय, टाटा बाय, नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़, अंटिल नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़। मजा आया, सेक्टर 44 में थे हम लोग, सही था, वेरी पीसफुल। चंडीगढ़ का ये मेरे हिसाब से ना ये वाला एरिया सारा एक जैसा ही है, ये 32 सेक्टर, 35 सेक्टर, 44, 47 सब एक जैसा ही देखने में लगता है अंदर। शीशा भी साफ कर लिया, मस्त बढ़िया टाइम लैप्सेस के लिए। अब चलते हैं हम लोग सिटी चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल से अम्बाला द सिटी ऑन हाईवे पे। अम्बाला ऐसा मेरे को बताया मेरे अम्बाला वाले दोस्तों ने कि अम्बाला को ना हाईवे वाली सिटी बोलते हैं, क्योंकि अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट के बीच में हाईवे निकलता है। तो जब सिटी वालों को कैंट जाना था, कैंट वालों को सिटी आना था, तो हर बार हाईवे क्रॉस करके जाते हैं। नाइस फैक्ट टू नो। अब मिलेंगे हमारे दोस्त चंदन भाई से, आई थिंक 4 साल बाद मिलेंगे शायद। पर एक्साइटेड टू ट्राई पनीर वाले समोसे। यस, पनीर वाले समोसे अच्छे थे, अच्छे सटल टेस्ट, चटनी। मैं बता रहा था लोगों को, हम लोग जब भी टाइम होता है हमारे पास तब आते हुए हमेशा रुक के खाते हैं पनीर वाले समोसे। हेलो जी, मिलो चंदन भाई से। आप दिख नहीं रहे, आप आपको इधर आना पड़ेगा तब आप दिखोगे। कितने 4 साल बाद मिल रहे हैं? 4 साल बाद, पूरे 4 साल ही हो गए ऑलमोस्ट। 19 में मिले थे ना, उसमें ये भी नक्शा बदल गया, इसके भी थोड़ा चेंज हो गया। ये पहले वो पतली सी हाईवे था, है अब ये चेंज हो गई लोकेशन, नई शॉप बना ली इसने। चलो दिन भर खाना खाना है, बिल्कुल जी। फिर वो फिर से एक्टिंग करेंगे, वो करंट लगा के। भाई मुझे अम्बाला का खाना बड़ा पसंद है। दिन भर अब शूट चलेगा, चंदन भाई से गप्पे मार के यादें ताजा करेंगे और बस मिलते हैं थोड़ी देर। बस अपना दिन चालू ही करा था हमारे डीजी फैमिली के मेंबर मिलके। आपका नाम है जी? अमित शर्मा। बहुत प्यार से वीडियोस देखते हैं आप, बता रहे थे दोनों। हम तो देखते हैं और अंकल आंटी के तो हम बहुत पसंद करते हैं, तो आप ही के मतलब व्लॉग्स चलते रहते हैं। मतलब जो भी मिलता है ना सब बोलते हैं कि भाई आप व्लॉग करो मत करो, पापा को बस दिन में 10 मिनट आप दिखा दिया करो, बस ऐसे फैमिली लगता है और कुछ नहीं। अभी भी मैं मिल रहा हूँ, लिटरली ऐसे लग रहा है मैं किसी कजन से मिल रहा हूँ। वो ऐसे एक वो कनेक्शन हो जाता है कि इसको तो मैं जानता ही हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आइए एक फोटो लेते हैं। कहाँ लिया है भाजी, कहाँ लिया है? कहाँ पार्किंग नहीं मिली, कहीं नहीं है खड़ी करने की। चंदन भाई को आज बड़ा परेशान कर दिया हमने, इतनी पतली पतली गलियों में गोलगप्पे खा रहे।
भाई यहाँ पे आने के लिए वो लगती है डेडिकेशन, मेहनत भाई। एक्टिंग नहीं करी आपने करनी पड़ती है वरना एक्स्ट्रा 10 रुपए लगते हैं। सही है। कैसी लग रही है अंदरूनी अंबाला की गलियां? यहाँ तो ले ही आते आप गाड़ी? नहीं भाई मुश्किल है। अच्छा यहाँ आपने भी हार मान ली? स्कूटी की जगह भी स्कूटी भी है गाड़ी तो वो बेचारे बुलेट लगाने में 10 मिनट घूम रहे थे, उनको कहाँ जाके पार्किंग मिली है बुलेट की। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे वो चलती वो नहीं होती वो इलेक्ट्रिक स्कूटी, कुछ नहीं चलती भाई मुश्किल। बैटरी वाली स्कूटी जो पतली सी जो होती है नहीं, वो भी बड़ी भी आ जाती है बैटरी वाली। अच्छा आ जाती है। गली में नहीं आ रही ना वो, बाहर वाली में आ रही है। यहाँ आएगी तो बस बाहर निकालोगे या वो वाली गाड़ी चलेगी जो बंदा हाथ में उठा के नहीं चले, ज्यादा जाओ हाथ में गंदे उठा के। भाई बढ़िया चल रहा है अंबाला में ना, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था हम लोग इतना शूट करेंगे, बट कर्टेसी चंदन भाई, उन्होंने हमें मतलब लिटरली, मैंने उनको चंडीगढ़ आने से कुछ टाइम पहले मैसेज करा कि शायद हम लोग आ सकते हैं अंबाला, कह रहे कोई दिक्कत नहीं आप आओ, जब भी आओ बता देना। और मतलब मेरा को था कि आप डीजी फैमिली के मेंबर से जब हम लोग मिलते हैं साथ में शूट वगैरह करते हैं तो एक कनेक्शन बन जाता है, तो मैंने बोला बड़े साल हो गए चंदन भाई से मिले तो मिलके ऐसे गप्पे गुप्पे मारेंगे, यादें ताज़ा करेंगे। अब आए जब इधर तो उन्होंने लिस्ट बना रखी है, उनमें जगहें ऐसी हैं नई जगहें पुरानी वाली जिनके स्वाद नहीं जा रहे दिमाग से। मैंने सोचा था हम थोड़ा सा शूट करेंगे, हाँ उन्होंने तो ऐसे पूरा पर्चा खोल रखा है। राइट है, अच्छा लगता है देख के ना जब आपकी तरह और भी लोग पैशनेट हो ना खाने के लिए। और हम तो डीजी फैमिली के मेंबर्स की दोस्ती ही उसी बात पे होती है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा लगता है देख के जब आपकी तरह लोग भी पैशनेट हो खाने को लेके। हाँ अब मेरे को लगता है कि जो भी सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं हम सबकी दोस्ती उस बेसिस पे होती है कि सबको खाना पसंद है ना, घंटों गप्पे मरवा लो खाने के ऊपर। चलो जी है बीबी यहाँ पे एडिडास का शोरूम है यार, क्या बहुत सारे शोरूम है यहाँ पे। याद है यहाँ पे मम्मा का वो लिया था हमने ना, मम्मा को ऐसे बच्चे करते हैं ना तो मम्मी को ना जूता लेना था, एक स्पोर्ट्स शू लेना था, तो फिर हमने मम्मी को ना पसंद आ गया, फिर मम्मी पूछ रही कितने का है तो उसका जो प्राइस था ना उससे 3 गुना कम प्राइस बोल के हमने मम्मा को दिलाया, फिर बड़ा 6-8 महीने बाद बताया कि ये जूता आपका घर में सबसे महंगा जूता है। ये बड़ी सही याद जुड़ी हुई है जग्गी सिटी सेंटर से हमारी। जो दुकान छूट करने आए थे जो दुकान पे वो तो अभी बंद है। अच्छा हो जाता है कभी कभार, पूरा प्लानिंग करके शूट करते हैं हम लोग, पूरा प्लानिंग करके शूट करते हैं बट फिर भी कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है अब वापस चले हम लोग कैंट में। कैंट में आई लव जग्गी सिटी सेंटर अंबाला। क्या कह रहे हैं जी, क्या क्या खाए अभी? और वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। अरे यार लेट अपलोड होगी ना, मैंने कल ही विले पार्ले वाली देखी है। अच्छा 2019 बहुत बहुत बढ़िया खाना है यार अंबाला में। ये नहीं अंबाला का ही हूँ मैं अभी। तो फिर आप हमें आपसे पूछना चाहिए क्या बात कर रहे हैं। हमने क्या खाया अभी, वो कुल्फी खा के आए किसकी, वो आइसक्रीम करतार की आइसक्रीम खाई थी कोई। ठीक है क्या नाम है आपका? निखिल। मेरे को लग रहा है निखिल भाई ना ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सही जगह पे जाते भी है कि नहीं जाते, ये टेस्ट ले रहे हैं कि भाई मैं मुंबई का तो नहीं बता सकता पर अपने अंबाला का तो बता सकता हूँ। पार्ले में रहे हो, पार्ले की वीडियो से भी आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि ठीक जगह पे जाते हैं। पार्ले की वीडियो देखनी जब स्टार्ट की। अच्छा तो फिर मुझे, मैं थोड़ा 3-4 साल बॉम्बे रहा था। अच्छा तो वही पार्ला अंधेरी स्टोर पार्ला में ही रुका था। अच्छा वो भी अच्छा एरिया, बहुत वेरी नाइस। बहुत बढ़िया वहाँ तो जो ब्रेकफास्ट का सॉर्टेड रहता है ना वहाँ पे, चीजों का डिफिकल्ट है। वेरी नाइस ब्रेकफास्ट। चलो ये आपकी टिक्की बहुत बढ़िया यार, ये अपनी लास्ट डिश है, टेक्निकली लास्ट डिश है अंबाला की, उसके बाद तो बेवरेज है ना, लास्ट डिश अंबाला की। चलो जी बाय बाय बोलने का टाइम हो गया भाई, एंजॉय किया आज? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब अगली बार दिल्ली आओ तो बताना। हाँ जी हाँ जी, छोले भटूरे 4 साल से ये बात बोली है, अब पता नहीं कब आएंगे। अब आप लगा लेना लग जाएगा।
चलो जी फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय, हम चले भाई अम्बाला आपकी टिक्की खाने आएंगे, वो अम्बाला वाले ना टिक्की और वो समोसे, एक नंबर एक नंबर। अब नेक्स्ट स्टॉप मुरथल पे एक शूट करना है, ये ट्रिप बड़ी अजीब सी जा रही है, पैकअप बोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा, चंडीगढ़ में कल पैकअप बोलना था पड़ा आज अम्बाला शूट करना है, अम्बाला में पैकअप बोलना था पड़ा आज मुरथल में शूट भी करना है, तो फाइनल पैकअप तो तभी होता है ना जब कुछ भी ना बचे शूट करने के लिए, तो वो अभी बचा है, अभी ढाई घंटे ट्रैवल करना है, फिर मैं एक मुरथल में वीडियो बनानी है, फिर चलेंगे। लास्ट टोल है ये हमारी जर्नी का, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं दिल्ली, मुरथल पहुंच चुके हैं और सारी गाड़ियां डिसाइड कर रहे हैं कौन सा टोल स्किप करे, कौन ये गाड़ी इधर घूम रही है वो गाड़ी इधर घूम रही है, सब कंफ्यूज है, सब लोग इधर जा रहे हैं, टोल में काफी ज्यादा जाम है, बट पीछे वाले टोल सारे के सारे काफी फास्ट हमारे निकल गए थे, रास्ता हैज बीन वेरी वेरी नाइस, अच्छा बट स्वीट नाइस रास्ता, अब गाड़ियां इधर उधर से कर रहे हैं, आई थिंक ये टोल भी निकल जाएगा, उसके बाद फिर मुरथल पे खाना खुना खा के फिर घर को निकलेंगे, टोल के बाद तो मुरथल चालू है, इसके yes, में आ गया। 5 मिनट में हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी, चलो जी। इसका ना बेचारे का गाड़ी वाले का ना टोल वाले के साथ कुछ चल रहा है समस्या, इसका ना कुछ समाधान ढूंढना चाहिए कि अगर गाड़ी वाले के जेन्युइन कंसर्न है तो उससे बाकियों को दिक्कत ना हो, और अगर गाड़ी वाला गड़बड़ कर रहा है परेशान कर रहा है टोल वालों को तो भी उससे बाकियों को दिक्कत ना हो, कुछ तो ढूंढना चाहिए कि भैया आप साइड में आ जाओ जरा सॉर्ट करते हैं आपका, या फिर आपको देखते हैं जरा आपकी वो होती है कंप्लेंट, पीछे से बैक करके निकलवा दो, हाँ मतलब कुछ तो देखना चाहिए, मतलब 5 मिनट से टाइम पास कर रहे हैं, आपका फ्रेंड भाई नितेश भाई आ रहे हो, कल आ रहा हूँ, हाँ थोड़ा लाइट जितना बहुत आ रहा है, जो मैं लाइट ऐसे मारता हूँ पीछे ऐसे मारता हूँ ऐसे आ रहा है, हाँ सब अपनी लाइट खुद खुद पे लो, ऐसे 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 वैसे हॉरर वाली लाइट लो सब, हो गया चलो अब बोलते हैं 3 2 1 पैकअप, इस बार पैकअप ही नहीं हो रहा था भाई, चंडीगढ़ पूरा शूट निपटा लिया, फिर अम्बाला बचा था, अम्बाला पूरा शूट निपटा लिया, फिर मुरथल बचा था, अब मुरथल शूट निपटा के तो पैकअप ही हो गया, अब पैकअप है, अब पैकअप, अब घर चलो चलो। हेलो जी, हेलो, वी आर बैक, हेलो बाबी, हेलो, वेलकम बैक, हेलो हेलो, बैक होम, घर वापस, यस, हाँ जी, सॉरी आई हैड टू फ्रेशन अप, फ्रेशन अप, आप सुबह जब आए थे तो आई हैड टू फ्रेशन अप, ओके जी, सीधा भाग गया ऐसे में, चलो क्या करा आप लोगों ने पीछे से, हमने मौसम एंजॉय किया, मौसम बड़ा अच्छा था, अच्छा आज को छोड़ के हमारा भी मौसम अच्छा ही था, ऐसे करा फूड वीडियो बनाने ने गया, वहाँ पर कोई रैली करने गया था, गला देना इतना बैठा हुआ, गला तो वो हो ही जाता ना थोड़ा बोल बाल के ये वो तो हो ही जाता है, नहीं थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, वो इतनी थकान थकुन हो जाती है ना, 2 दिन अच्छे से सोऊंगा चैन से तो ठीक हो जाएगा, चैन से कैसे, कल तो बीवी की भी छुट्टी है, अरे शिट मंडे को सोऊंगा, जब ये बीवी जाएगी ना तब मैं चैन से थोड़ा अपने आप सोऊंगा, थोड़ा मेरे को शांति मिलेगी, अच्छा अच्छा, क्या करा बीवी ने पीछे से, बीवी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं करा, टाइम पास, टाइम करा, हाँ फिर शाम को बोर होगी तो आज, चलो ठीक है करो करो काम करो काम करो काम ठीक, चलो रिलैक्स करो, ओके जी गुड नाइट, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट जी गुड नाइट, चलो वो हाथ धो ले पहले, सारा पसीना आया हुआ, हाँ धो लेता हूँ, ओके चलो जी गुड नाइट, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग।